नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ओप्पो A16 है या ओप्पो का कोई अदर फ़ोन है, तो जैसे कि डायलपैड पे आप जाते हो तो बहुत सारे यहाँ पे साउंड देखने को मिलते हैं, या फिर जब आप नॉर्मली टच करते हो तो वाइब्रेशन होता है, या फिर कीबोर्ड प्रेस करते हो तो ये सब साउंड वगैरह जो होता है ना, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, जो भी साउंड वगैरह होता है, छोटे छोटे साउंड होते हैं सिस्टम वगैरह के, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए सेटिंग में जाना होगा। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखता है। अब इसके बाद आपको नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद अदर सेटिंग पे जाना है, अदर सेटिंग में नहीं, आपको यहाँ पे मोर साउंड एंड हैप्टिक्स पे जाना है ना। सबसे पहले डायल पैड टोन, जो कि आप नंबर डायल करते हो तो इसको आप बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। स्क्रीन लॉक जब होता है, साउंड होता है, ऑन कर सकते हो, बंद कर सकते हो। स्क्रीन शॉट साउंड बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। कोई चीज़ डिलीट करते हो उसका साउंड बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। टच साउंड यानी कि जो टच वगैरह करते हो तो ये बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, है ना। ये कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे आपका आप ये कहीं भी देखो, जैसे मैंने ऑन किया तो आप कहीं भी टच करूँगा तो थोड़ा सा एक छोटा सा साउंड आ रहा है ना। और यहाँ पे वाइब्रेशन, अब जो भी आप टच वगैरह करते हो, जैसे कि यहाँ पे टच करते हो, यहाँ पे आता है तो एक वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन को आप यहाँ से बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि कीबोर्ड वगैरह का साउंड और वाइब्रेशन होता है बहुत फास्ट होता है, तो उसको मैनेज कैसे करें, साउंड को कम कैसे करें या बंद कैसे करें। वाइब्रेशन कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कीबोर्ड के की पे होता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आई बटन में आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप डायल पैड टोन के साथ ही और भी साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा, जब यहाँ पे वाइब्रेशन की बात हो ही रही है तो रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ऑन फुल स्क्रीन, तो ये वाला चीज़ ना आप ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन फीडबैक बहुत हार्ड आता है तो आपको पसंद नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि नोटिफिकेशन जब आता है तो साउंड बहुत तेज़ी से करता है और वाइब्रेशन बहुत तेज़ होता है, तो आप चौंक जाते हो अचानक से। तो अगर बार बार आता है तो इससे बैटरी का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, तो ये वाला ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे होगे और स्क्रीन पे लाइट होगा, तो जब आपका आएगा तो उस समय चूंकि आप स्क्रीन देख रहे हो तो जो भी स्ट्रेंथ होगा ना वाइब्रेशन का या फिर साउंड का, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।